आपको ये काम करने में अच्छा नहीं लगता है, आपको पुराना वाला गंदा वाला कपड़ा पहनना पड़ता है और ये बहुत मेहनत वाला काम है। किसी भी किसी का दिल मत तोड़ो यार, दिल इंसान के पास एक ही होता है। और आपको कुछ तोड़ना ही है तो हादिया तोड़ो, हादिया। देखो हादिया तो इंसान के पास 206 होता है ना, थोड़ा सा दो तीन ऐसा तोड़ दो। तो गाइस इस बातों को आप लोग ध्यान मत दीजिए, मैं ना कभी कभार हिल जाता हूँ। तो राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छा ही होंगे, बुरे तो नहीं होंगे ना। तो गाइस ये थोड़ा हंसी मजाक था, आप लोग बुरा मत मानिए। ब्लॉग सभी को स्वागत करता हूँ आप लोग का यूट्यूब चैनल देसना ब्लॉग में। तो मैं अभी ऐसा काम करूँगा, तो आप लोग कोई किसी तो करता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग भाई ने ये काम नहीं करते हैं, लेकिन मैं काम करता हूँ। करता हूँ मतलब करना पड़ता है। दिन आपको ज़रूर फल मिलेगा, जो मुझे अभी मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम। और मैं सोचता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो चलिए कामों को शुरू करता हूँ। दो तीन ऐसा बैगों में भर लेता हूँ, क्योंकि ये सभी कुछ हमको यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। यहाँ से कभी बैग में कोई बैग में भर के रखना पड़ेगा। तो क्या है कि हम घर में जो डांगोरी रखा हुआ हूँ ना, उसको यहाँ पे सुताल में उसको मारना पड़ेगा। अभी उसको बैग में भर लेता हूँ, उसको कल हम पूरा साफ कर देंगे, बैग में भर के रख देंगे किसी दूसरा जगह में, जो बारिश नहीं गिरता हो ऐसा जगह में। अभी पहले भर लेता हूँ, वन हो गया है। लेकिन देखिए थोड़ा कम में भर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा रोड से वहाँ तक ऐसे पीठ में उसको लेके जाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा कम में भर रहा हूँ। अभी फिर से दो बैगों में भर देंगे, तीन बैग लेके जाएंगे। तो आप लोग देखिए पौधा है ना, अभी उसको लगाया हुआ मुझे 2 साल ऐसा हो गया है। तो अभी आप लोग को दिखाता हूँ मेरा नींबू में एक ही जगह में कितना फल
नींबू लगा है तो आप लोग को दिखा देता हूँ। अभी मैं इसलिए यहाँ पे कि थोड़ा सा गोबर दे रहा हूँ, अभी मल्चिंग करूँगा, पानी दूंगा। तो अभी यहाँ पे मैं उस पौधा को ज़्यादातर देखूँगा ना, अभी उसको मैं पानी हार ऐसा कुछ दूंगा ना, तो अभी तभी तो ये फल देगा ना। अच्छा अच्छा, अभी उसको मैं बेच के पैसा मिलेगा ना, बहुत सारा पैसा मुझे, तो इसलिए अभी ये कर रहा हूँ। तो देखिए कैसा फल लग रहा है, आप लोग को दिखाता हूँ। तो देखिए ये नींबू का पौधा है, देखिए ये पेड़ आप लोग को तना दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पेड़ है, ये काटिंग का पेड़ है, मैंने लगाया था। ये देखिए बड़ा हो चुका है, यहाँ पे फल देखिए एक ही जगह में तीन फल लगा हुआ है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए सभी पौधा हो, जो भी पेड़ हो, आपको ज़्यादा फल चाहिए तो पहले आपको तो थोड़ा सा देख देखाव तो करना ही पड़ेगा ना, तो उसको भी थोड़ा सा खिलाना पड़ेगा ना। तो मैं अभी वही कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जंगल है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी क्या है, अभी धान का महीना है ना, तो ये जंगल थोड़ा पेड़ को धान से बसाता है, वो भी एक बात है। तो मैं अभी तालाब के पास आ चुका हूँ। तो देखिए आप मल्चिंग बहुत सारा चीज़ों से अभी कर सकते हैं, जैसे बहुत सारा आपके वहाँ मेरा भी जो जंगली खेत है ना, वहाँ पे आप लोग को देखा होगा बहुत सारा ये जंगल है, उसको काट के भी वहाँ पे पेड़ का पेड़ की नीचे में दे दूंगा तो वो एक मल्चिंग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं दूसरा का तालाब से लेके आया कि यहाँ पे रखा हुआ था, वो क्या बोलते हैं उसको गांव की भाषा में मेटेका ही बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं को क्या चीज़ है। तो मैं इन चीज़ों से जो नींबू का पेड़ है ना वहाँ पे डालूँगा, दे दूँगा। तो क्या होता है कि ये देने से जो पेड़ का नीचे में जी जहाँ पर भी मैं उसको दूँगा पूरा, उसको जो है जो पेड़ का नीचे में पूरा नमी रखेगा, नमी होगा तो क्या है थोड़ा सा वो इसका जोर वो अच्छी तरीके से ग्रो हो पाएगा और पेड़ भी अच्छा होगा, वहाँ पे थोड़ा सा पानी भी होगा। तो इसलिए ये मल्चिंग करना चाहिए, तो इस समय ही मल्चिंग करना चाहिए। तो चीज़ तो यही है, ये देखिए ये जोर है बहुत ज़्यादा, ये पानी यहाँ पे है, मैं अभी आप उसको पानी उसको निकालना देख रहा हूँ। देखिए पानी अभी भी है बहुत ज़्यादा, देखिए पानी अभी भी है, इसको उठा देता हूँ, गाड़ी में लुक को देता हूँ। देखिए मैं किस तरीके से पेड़ की नीचे में उसको रख देता हूँ। मुझे मालूम हुआ कि आप ये काम क्यों नहीं करते हैं, तो आप लोगों को ये काम करने में अच्छा नहीं लगता है, आपको पुराना वाला
गंदा वाला कपड़ा पहनना पड़ता है और ये बहुत मेहनत वाला काम है। हाँ हाँ मुझे मालूम पड़ा। तो आप लोग ऐसा ये सोच, गलत सोच दिमाग में मत लाइए। तो आप घर के लिए तो आपका एज मतलब आपका उम्र 20 से आप है, तो ये काम आपको मतलब सीखना है। मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो उसी समय मैं भी पापा मामी से मांग रहा था, तो मामी पापा बोलते थे पैसा नहीं है बुक खरीदने के लिए, नोटबुक खरीदने के लिए, तो गाड़ी में भाड़ा देने के लिए। तभी मामी पापा हमको गाली देता था, पैसा नहीं है तो काम कहाँ से दूँ कैसे, तो हमारे घर में तो ऐसा पेड़ नहीं है ना जो पैसा लगता, पैसा लगने का पेड़ है। तो बहुत सारा मैं क्या है कि मुश्किल में गुजर के इतना बड़ा हो चुका हूँ, तो अभी मुझे बहुत सारा सीख मिला है। तो मैं इसलिए है अभी मम्मी पापा को मैं तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। मैं अभी खुद का पैर में खुद खड़ा होना चाहता हूँ। तो मैं बहुत सारा यूट्यूब चैनल देखता हूँ, सभी का देखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी का भी नहीं देखता हूँ। मेरा स्क्रीन में जो भी जिसका भी वीडियो आ जाए मैं देखता हूँ, और सभी वीडियो में मुझे कुछ ऐसा थोड़ा सा भी कुछ सीखने के लिए मिलता है। मैं ज़्यादा देखिए मैं ज़्यादा आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं खेती बाड़ी का वीडियो ज़्यादा देखता हूँ, मैं ज़्यादा देखता हूँ, इसलिए मैं खेती बाड़ी में लगा रहता हूँ और ऐसा कि मुझे अच्छा लगता है। और अभी क्या है कि अभी मुझसे पापा मम्मी मतलब मुझे बोल के पैसा मांगता है, हमारा आंटी का घर में बर्थडे है, शादी है, हमको इतना पैसा चाहिए। तो हम क्या हो जाते हैं, पूरा दिमाग हमारा ख़राब हो जाता है कि इतना पैसा चाहिए, 5,000 चाहिए, 2,000 चाहिए, 3,000 चाहिए, ऐसा बोल देता है, हमारा पूरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो तभी हमको मालूम पड़ा कि देखिए हम जब सोता था ना, तो हमने पापा मम्मी को रो रो के मांग रहा था, तभी पापा मम्मी को कितना गुस्सा हुआ होता, मतलब होता था। तो अभी ऐसा भी बात हमको दिमाग में मतलब खिला है। तो अभी इसकी वजह से भी मैं ये काम मुझे करना पड़ रहा है। और तो क्या, मेरा तो कोई ऐसा, मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ, और इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। और थोड़ा सा घर में ज़मीन है, तो सभी का घर में थोड़ा सा ज़मीन है, तो आप थोड़ा सा ज़मीन में भी एक करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा और समय भी आपको ऐसे बेकार में नहीं गंवाना पड़ेगा। तो आप कुछ घर में भी टाइम दीजिए, मोबाइल में भी टाइम दीजिए, आप 2 घंटा मोबाइल में टाइम दीजिए, 2 घंटा आप लोग घर में कुछ कामों में हाथ बताइए, और 2 घंटा आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, और बाकी सबको 6-7 घंटा तो सोना ही है अच्छा सेहत के लिए। तो आप लोग मैं अभी जो बोल रहा हूँ आप लोग ऐसे पागल क्या बोल रहे हैं, हमको क्या नहीं पता है। तो कोई किसी ने मुझे ऐसा बुरा कमेंट करेगा लेकिन मुझे मालूम है, तो आप लोग ऐसा करेंगे तो आपका आपके लिए ही भलाई है। तो मैं अभी कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। तो अभी क्या है कि मैं पौधा से बात करता हूँ यहाँ पे आके, इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये मुझे बोल देता है। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, इसको देख के मुझे पता चल जाता है उसको अभी क्या चाहिए। अभी मैं गार्डन में आता हूँ, देखता हूँ, हाँ उसको अभी दवाई देना है, मैं फिर से घर में जाके दवाई देता हूँ, हाँ उसको अभी पानी चाहिए, पानी देता हूँ मैं। अभी देखिए उसको अभी मल्चिंग चाहिए, मैं मल्चिंग कर दिया, उसको थोड़ा सा क्या है प्रोटीन चाहिए, मैंने सूखा हुआ गोबर दे दिया। तो 2-3 ऐसा दिन के बाद मैं फिर से उसको मोटर लगा के, बड़ा वाला मोटर है हमारा घर में, तो आप लोग को वीडियो दिखाऊंगा, बड़ा बड़ा पाइप भी है, स्प्रिंकलर है, तो सभी में तालाब गार्डन में सभी गार्डन में पानी दूंगा तालाब से। और ऐसा आप लोग कीजिए, खुद का पेड़ में खुद खड़ा होने की कोशिश कीजिए, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बुरा लगा तो डिसलाइक भी मार सकते हैं। तो एक बार आप लोगों का रिलेटिव वालों को और आपका भाई बहनों को मेरा वीडियो एक बार शेयर कीजिए, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऐसा ही वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। और थोड़ा सा मेरा क्या है लैंग्वेज थोड़ा सा टेढ़ा मेरा है, आप लोग ऐसी बातों में मत जाइए, तो आप लोग मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। तो आज का वीडियो यहीं से पॉप करता हूँ, वीडियो को अच्छा लगा तो जाता ही है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलूँगा कल एक नया वीडियो के साथ।